हेलो गाइड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो गाइड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं चांदी का बना हुआ अंगूठी डिज़ाइन, जो कि एकदम बहुत बेहतरीन डिज़ाइन में अंगूठी का अंगूठी है और हल्के और भारी में भी है, जो कि जेंट्स के लिए है। तो गाइड्स, आप लोग इसका डिज़ाइन अच्छे से देख आराम से देख पा रहे होंगे, जो कि बहुत भड़कीलो बहुत हैवी में ये चांदी का अंगूठी है और देखने में भी काफ़ी भड़कील में है लग रहा है। तो मैं आशा करता हूँ, देखिए इसमें ओम का ओम भी छपा हुआ है और देख रहे हैं लाल रंग का बना हुआ नक का अंगूठी है, जो कि कितना हैवी में से तैयार किया गया है। आप लोग इसको आराम से देख पा रहे होंगे, बहुत ही हैवी में ये चांदी का अंगूठी है और एकदम ये देसी चांदी का है, जो कि इसे हाथ से तैयार किया गया है। तो गाइस, मैं आप लोग को एक साथ में सब दिखा दूँ, ताकि आप लोग को लेना हो स्क्रीन शॉट तो आप लोग आराम से इसे स्क्रीन शॉट ले पाएंगे। तो चलिए गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका डिज़ाइन अच्छे से देख लिए होंगे। अब मैं इसका करने जा रहा हूँ वेट और बताने जा रहा हूँ कितना इसका प्राइस है। तो मैं अब काटा को करने जा रहा हूँ ऑन। मेरा काटा ऑन हो गया है। अब काटा ऑन होने पर एक बार आप लोग ज़ीरो ज़रूर देख लीजिएगा। तो गाइस, मैं रख रहा हूँ फर्स्ट वाला, जो कि बीच में केचुआ का अंगूठी है और बीच में इसमें नग भी लगा हुआ है। गाइस, से 5 ग्राम 31 मिली है, यानी कि आधा भर से ज़्यादा है। तो इसके वजन के हिसाब से इसका प्राइस हो गया 380 रुपये। तो गाइस, मात्र आप 380 रुपये में इसे प्राप्त कर पाएंगे के चौकों की। चलिए गाइस, मैं लाल जो नग बना हुआ अंगूठी उसको कर रहा हूँ वेट। गाइस, से 8 ग्राम 44 मिली है, तो इसके वजन के हिसाब से इसका प्राइस हो गया 450 रुपये। तो गाइस, मात्र आप इसे 450 रुपये में प्राप्त कर पाएंगे, इतना बढ़िया और हैवी में बना हुआ चांदी का अंगूठी डिज़ाइन। अब मैं करने जा रहा हूँ वे थर्ड वाला डिज़ाइन, जो कि वे भी एकदम भड़कील में बना हुआ है। घर से 5 ग्राम 28 मिले है, तो इसका भी डिज़ाइन, इसका भी वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको 500 के अंदर में सब, आप जो भी अंगूठी चाहेंगे आप उसको सब अंगूठी 500 के अंदर में ही एक पीस मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ किसी वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।